सब्सक्राइब कीजिए MSY यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़र सईद सब्ज़े और आप लोग देख रहे हैं MSY TV। दोस्तों मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों मुत्तहिदा अरब इमारात में इत्तिसाल सारिफिनों के नाम अहम पैगाम जो इत्तिसाल कंपनी जो सिम यूज़ कर रहे हैं उसने अपने सारिफिन के लिए एक नया पैगाम दिया है कि जितने भी हमारे इत्तिसालात कंपनी के सिम यूज़ हो रहे हैं उन लोगों के लिए क्या पैगाम दिया है। ये वीडियो मुत्तहिदा अरब इमारात के परदेसी भाइयों के लिए है, ये वीडियो देखना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुत्तहिदा अरब इमारात इत्तिसाल सारिफिन के नाम अहम पैगाम, सर्विस में आइंदा 3 माह के लिए रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो डिटेल में जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मुत्तहिदा अरब इमारात के टेलीकॉम कंपनी इत्तिसालात ने अलामिया जारी किया है कि वो मोबाइल सर्विस को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आइंदा 3 माह के लिए इत्तिसालात की मोबाइल सर्विस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इत्तिसालात ने मोबाइल डेटा के खिदमात में किसी भी किस्म का ताखिर के लिए सारिफिन से एडवांस में ही मुआज़रत कर ली है। नए अपग्रेडेशन कंपनी के सारिफिन का नए मोबाइल सर्विस में 5G और दीगर इंटरनेट सर्विस शामिल है, ज़्यादा बेहतर तरीके से फराहम करने के काबिल बना पाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इसी तरह इत्तिसालात की खिदमात हासिल करने वाले सारिफिन के मोबाइल डेटा के तजर्बे के मयार में इजाफा होगा। ताहम इस अपग्रेडेशन के दौरान इत्तिसालात अपनी सर्विस फराहम करती रहेगी, लेकिन कभी कभी इसमें ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जो इत्तिसालात कंपनी है वो अपनी खिदमात सारिफिनों के लिए एक नाम अहम पैगाम भेजा है कि अभी हमारे जो सर्विस है उस पर काम हो रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने एलामिया जारी किया है कि कभी कभी सर्विस खुलेगी कभी बंद होगी, तो इसी वजह से उन लोगों ने माजरत कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।